भगत सिंह विचार और रणनीति सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। सीरीज का पहला वीडियो लालाजी की हत्या का बदला आप यहां देख सकते हैं। तो लाहौर से भेष बदलकर भागे भगत सिंह, दुर्गा देवी और राजगुरु जब कलकत्ता पहुंचे तो स्टेशन पर पुलिस बंदोबस्त लाहौर जैसा नहीं था। अंग्रेज अफसर किसी आम दिन की तरह अपने मालिकाना रवैये में कामकाज में लगे थे। सॉन्डर्स को मारने से अंग्रेजों में जिस भय और आतंक की भगत ने कल्पना की थी वो कहीं नजर नहीं आता था। एचएसआरए विचारक और दुर्गा देवी के पति भगवती चरण ने भगत सिंह को कलकत्ता के एक धनी मारवाड़ी सेठ छज्जूराम के यहां ठहराया। छज्जूराम और उनकी श्रीमती लक्ष्मी देवी क्रांतिकारियों के बड़े प्रशंसक थे। भगत सिंह ने अपना नाम बदलकर हरी कर लिया। वो सुंदर धोती पहने शॉल ओढ़े बाहर निकलते। एक दिन वो शहर में हो रहे कांग्रेस सेशन में भी गए, जहां वो इतने ऊब गए कि पास के मूवी हॉल में अंकल टॉम्स केबिन फिल्म देखने चले गए। क्रांतिकारी भारत को पूरी तरह आजाद देखना चाहते थे, इसमें तोल मोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर कांग्रेस अभी डोमिनियन स्टेटस की चर्चा कर रही थी। डोमिनियन स्टेटस माने अंग्रेज हमारे मालिक रहेंगे पर अपने छोटे मोटे फैसले लेने की हमें आजादी है। उन्होंने ये भी पाया कि कांग्रेस की कमान अभी भी अपर क्लास के हाथों में थी, जिनके गणित में किसानों मजदूरों की कोई गिनती नहीं थी। भगत सिंह के अनुमान में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने से डरती थी कि कहीं देश की आम गरीब जनता भी अपना हक ना मांगने लगे। क्रांतिकारियों का उद्देश्य देश को अंग्रेजों से आजाद कराने तक सीमित नहीं था, आम किसान मजदूर को बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के चंगुल से भी आजाद कराना था। कलकत्ता में भगत सिंह बंगाल के कई क्रांतिकारियों से मिले। बंगाली साथियों ने बताया कि उन्होंने बंदूक और बारूद का रास्ता छोड़ दिया है। उनका मानना था कि समाजवाद, जनता के बीच जाकर उनसे संपर्क बनाकर उन्हें साथ लेकर लाया जाना चाहिए। इस बात को ठीक ठीक समझने के लिए बंगाल का क्रांतिकारी इतिहास जानना जरूरी है। एक्चुअली बंगाली क्रांतिकारी संगठन जैसे अनुशीलन समिति और जुगांतर भारत के सबसे पुराने क्रांतिकारी संगठन थे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों यानी लेट 1800 से बंगाल में पॉलिटिकल जागरूकता और अंग्रेजों की खिलाफत तेज हो रही थी। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बम, गोली, बारूद का इस्तेमाल भी जायज है, ये विचार लोगों के मन में घर कर रहा था। इस लिहाज से बंगाली क्रांतिकारियों का अनुभव सबसे ज्यादा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अफसरों, जजेस, यहां तक कि बंगाल के गवर्नर और 1912 में तो देश के वाइसरॉय हार्डिंग पर बम से हमला करने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। वाइसरॉय पर हमले में राजबिहारी बोस और जतींद्रनाथ मुखर्जी, जो बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे, टाइगर जतिन, इनका लीडिंग रोल था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरबिंदो घोष, जिन्हें हम श्री अरबिंदो के नाम से धार्मिक और आत्मिक गुरु के रूप में जानते हैं, वो एक टाइम अनुशीलन समिति से जुड़े उग्र क्रांतिकारी थे और समिति की एक ब्रांच के नेता भी। उनकी लीडरशिप में क्रांतिकारियों को मिलिट्री टैक्टिक्स और बॉम्ब बनाने तक की ट्रेनिंग मिली। इस इल्जाम में 1908-1909 के अलीपुर बॉम्ब षड्यंत्र केस में उन्हें सजा भी हुई थी। तो खैर, सशस्त्र क्रांति की राह को जांचने परखने, इस पर काफी चलने के बाद बंगाली क्रांतिकारियों का मानना था कि इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। काकोरी में रेल लूटने या सॉन्डर्स को मार देने से देश को आजादी नहीं मिलेगी। नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह के गुरु रहे प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार भी इत्तेफाक से इन दिनों कलकत्ता में थे। प्रोफेसर विद्यालंकार वो शख्स थे जिन्होंने भगत सिंह को उग्र क्रांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया था। कलकत्ता में उन्होंने कई सीनियर क्रांतिकारियों से भगत का परिचय कराया। इनमें भगत सिंह सबसे ज्यादा त्रैलोक्यनाथ जी से प्रभावित हुए। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियों के चलते 30 साल जेल में थे। उनका भी अब हिंसा से भरोसा उठ चुका था। भगत सिंह हिंसा को एक जरिए के रूप में देखते थे। अंग्रेज अधिकारियों पर हमलों से डरे सहमे समाज और खासकर युवा वर्ग की हिम्मत बढ़ेगी। वो अंग्रेजों को अपने मालिक माई बाप के रूप में देखना बंद करेंगे और क्रांतिकारी राह पर आगे आएंगे, देश को आजाद कराने की मुहिम में शामिल होंगे। फाइनल लक्ष्य तो सामाजिक ढांचे में बदल लाने का ही था। भगत सिंह को बॉम्ब भी चाहिए थे और बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग भी। त्रैलोक्यनाथ जी भगत सिंह के जज्बे और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने भगत सिंह को पिस्तौलें और कारतूस मुहैया करवाए।
इसी तरह भगत सिंह जतींद्रनाथ दास से मिले। मिलते ही दोनों की दोस्ती हो गई। जतींद्रनाथ बॉम्ब बनाने में ट्रेंड थे, पर उनके दल ने भी आतंकी एक्टिविटीज से किनारा कर लिया था और जतिन पार्टी डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहते थे। पर वो भगत सिंह की इस बात से सहमत थे कि अंग्रेज अधिकारियों पर हमलों से देश के युवा में स्वाभिमान और निडरता का भाव पैदा होगा और उन्हें क्रांति की राह की ओर आकर्षित करेगा। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही HSRA को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग मिलेगी, भगत सिंह कलकत्ता से रवाना हुए। इस बार उनका ठिकाना बनी आगरा की हींग की मंडी। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को मारने के कुछ महीनों बाद भगत, सुखदेव, राजगुरु और आज़ाद एक बार फिर एक छत के नीचे थे। ये था भगत सिंह के कलकत्ता में बिताए दिनों का ब्यौरा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल साइंस स्टोरीज एंड लाइफ को सब्सक्राइब करिए। सीरीज के अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज दो डरावने जनविरोधी कानूनों को सुंदर भले नामों का चोगा पहनाकर देश पर थोपना चाहता था और क्रांतिकारी जवाबी प्रोटेस्ट कैसे दर्ज करते हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने में बिल्कुल ना हिचकें। याद रखिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन घंटी। साइंस स्टोरीज एंड लाइफ, द नॉलेज एडवांटेज। नॉलेज चाबी है, दरवाजे खोलती है। नमस्ते, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट।